चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम 3 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पहली अपडेट के बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में एरर था उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी अपडेट्स के बारे में जो दिल्ली से CWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और थर्ड अपडेट जो स्टेट काउंसलिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो कल हियरिंग है, यानी कि 30 नवम्बर 2021 को ये हियरिंग होनी है और ये कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 2 पर लगी हुई है। सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बारे में आपको पता ही है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में एरर था उसके रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एक इसमें एक्सपर्ट का पैनल डिटेल किया था, वो पैनल अभी रिव्यू करेगा और इसके बाद में जो भी डिसीजन होगा वो एक बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या डिसीजन देता है ये कल ही पता लगेगा। हम अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि ये क्या हो सकता है इसके बारे में, तो ये कल ही पता लगेगा कि इसके बारे में क्या डिसीजन आएगा। तो जैसे ही इसके बारे में डिसीजन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी अपडेट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के CWD कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब जो कैंडिडेट दिल्ली के डोमिसाइल रखते हैं यानी कि 11-12 दिल्ली से पास कर रखी है, वो कैंडिडेट वहां के डिफेंस पैरामिलिट्री और पुलिस कोटा के अंडर आते हैं, यानी कि CW के अंडर आते हैं। और जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑलरेडी डिफेंस कोटा का बनवा रखा है, EX जो सर्टिफिकेट होते हैं 1-8 सीरियल के, वो उन्होंने अगर बनवा रखे हैं तो उनको अपलोड करना है। और अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो आज ही शाम 5 बजे तक है। सॉरी, मैं बताने में थोड़ा सा आपको लेट हो गया। ये आज शाम 5 बजे तक आपको ये सर्टिफिकेट FMSC की वेबसाइट पर अपलोड करना है, तभी आप इसमें जो CWD कैटेगरी के लिए हैं, डिफेंस कैटेगरी के लिए हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सर्टिफिकेट आप जरूर अपलोड कर दें इसकी FMSC की वेबसाइट पर। तो ये एक जरूरी अपडेट थी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो CW का कोटा लेना चाहते हैं, डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, पैरामिलिट्री से आते हैं, तो उनके लिए ये एक अपडेट था। इसके बाद में जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग अभी रोक दी गई है, यानी कि अभी जो जैसे जैसे स्टेट्स स्टार्ट कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, कोई भी स्टेट अभी स्टार्ट नहीं किया है। जब से ये इस पे जो हियरिंग की डेट आई है 30 नवंबर, उसके बाद से कोई स्टेट ने काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की है। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे 29 से उड़ीसा के, वो भी उड़ीसा के रजिस्ट्रेशन भी अभी पोस्टपोन्ड कर दिए हैं। तो स्टेट की काउंसलिंग भी अभी रुकी हुई है। स्टेट्स की काउंसलिंग भी कल के डिसीजन पर डिपेंड करती है। अभी क्या होता है कल इसके बारे में आपको जैसे ही अपडेट होगा हम इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही डिसीजन रहेगा स्टेट काउंसलिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, और MCC की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने के अभी थोड़े से आसार बन रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये भी थोड़ी जल्दी हो सकती है। तो जो भी अपडेट रहेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।